हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे लाइकट TS07 का डिसेक्शन कैसे करें। इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि मशीन कैसे सेट करना है। ये अपना ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड को पहले से अच्छे से पैर से दबाना पड़ेगा। तीनों ट्राइपॉड के दबाने के बाद इसको मशीन को आराम से पैर से मशीन को लगाना पड़ेगा। मशीन को अच्छे से लगाने के बाद इसको नीचे अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बावल जो है, बावल बराबर करना पड़ेगा। इसका बावल जो है अच्छे से बावल करना पड़ेगा। इस मशीन में दो बावल है TS07 में, आप देख सकते हैं। ये मशीन है TS07, लाइका कंपनी का है। जब दोनों बावल हो जाता है फिर मशीन को आपको देखना पड़ेगा बैटरी इसमें है कि नहीं। ये बैटरी का है। बैटरी डालने के बाद इसको ये जो पावर है, पावर को ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। हो जाने के बाद ऐसे डिस्प्ले आएगा। अपना अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा मशीन को, तो मैं इसको अलाइनमेंट में रख दिया हूँ। टिल करेक्शन ऑन पे है, हॉरिजॉन्टल करेक्शन ऑन पे है, ये करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको बावल कर लेता हूँ। बावल हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें अपना टाइपिंग के लिए, स्क्रीन के काम के लिए लगेगा पेन। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू है, ये फुल फॉर्म CONT में क्लिक करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो डिस्प्ले में ऐसे शो ऑफ करेगा। तो हम लोगों को अभी सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब सेटअप करना पड़ेगा। और जॉब्स के लिए जाना पड़ेगा आपका मैनेज पे। देख सकते हो ये स्टार्ट है और एक मैनेज है। तो मैं मैनेज पे क्लिक कर लेता हूँ। जब भी मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज में क्लिक करने के बाद देखिए ये जॉब, तो मैं ये जॉब सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो इसमें मेरा ऑलरेडी जॉब सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इसका F1 या लिस्ट के ऊपर ही क्लिक कर सकते हो। मैं F1 में भी देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट दे दिया मेरा जॉब का। तो अभी मेरे को इंटरचेंज 4 का सेंटर लाइन मारना है और रिसेक्शन करना है, करूँगा। तो इसको करने के बाद आप इधर F4 के नीचे CONT यानी कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको कंटिन्यू में क्लिक कर रहा हूँ। इस देगा मैनेज जॉब के बाद जनरल, ये आपको कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। आपका अगर न्यू करना है, नया जॉब बनाना है, तो इसमें क्लिक कर सकते हो, या लिस्ट दोबारा देखना है तो कर सकते हो। तो मेरा ये जॉब सिलेक्ट हुआ है, तो कंटिन्यू में क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं जॉब सिलेक्ट हो गया है। आज करेंगे लाइका TS07 का डिसेक्शन। तो मैं इसमें देख सकते हैं 6 ऑप्शन है। तो सेट अप में आपको काम करना पड़ेगा डिसेक्शन के लिए। तो सिंपली इसको ओके कर, तो इसके लिए आपको ओके दबाना पड़ेगा। तो देखिए मेरा ऑलरेडी सेटअप में क्लिक हुआ है। आप क्लिक भी कर सकते हो या ओके दबा सकते हो। इसके बाद आपका सेटअप के लिए डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एंड ओरिएंटेशन दो दिया है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा इधर रिसेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर उसको ओरिएंटेशन या हॉरिजॉन्टल एंगल के हिसाब से बैक सेट करना है, तो इस क्रशर से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा दूर होकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है आपको जो हिसाब से करना है। तो आज हम लोग करेंगे क्या, रिसेक्शन। इसमें रिसेक्शन लिखा हुआ है, तो इसको नीचे फिर F4 दबा सकते हो कंटिन्यू करने के लिए। F4 दबा दिया, देख सकते हैं ये कंटिन्यू हो गया। ये हो जाने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करिए। अब जब करोगे तो आपके पास ये देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लिस्ट, न्यू मैप। तो मेरे पास अभी फिलहाल इस जो 2 TBM है अपने पास टेम्पररी बेंचमार्क,
उसका लोड नहीं है, तो मैं इसको लोड करेंगे। पहले देख लेता हूँ लिस्ट में क्या है। ये देखिए, F1 भी दबा सकते हो या आप लिस्ट में डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। ये देख सकते हैं पूरा लिस्ट हुआ है, तो मैं ये लिस्ट ना करके मेरे को न्यू नया करना है, तो मैं सिंपल F2 दबा देता हूँ या न्यू। तो F2 देखिए, इसमें पॉइंट ID दे दीजिए, उसके बाद ईस्टिंग नॉर्थिंग और हाइट यानी RL दबा दीजिए। जब भी आपका ये आएगा तो ये स्क्रैशर से, अब देखिए ABC लिखा हुआ है F4 के नीचे, मतलब ये नंबर में होगा। देखिए नंबर में हो रहा है, और इसको डिलीट करने के लिए सिंपल F2 डिलीट में भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं इसको नंबर दे देंगे P29/5, तो इसको क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं P हो गया, फिर इसको नंबरिंग करेंगे 29, फिर इसको क्लिक करेंगे या इसको भी क्लिक कर सकते हो 4, फिर इसको नंबरिंग करने के लिए करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट ID को लिख लेता हूँ, टाइपिंग करके लेता हूँ। अब इसको देख भी सकते हो, तो व्यू में F1 में दबाइए, तो ये इसका पूरा नॉर्थिंग ईस्टिंग Z वैल्यू पूरा आ गया है, हाइट। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, जब भी फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरफ से डिस्प्ले में आ जाएगा, तो हम जहाँ पर अपना हेल्पर या असिस्टेंट खड़ा है उसको फोकस करेंगे, यहाँ से उसको टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद उसको मेजर करेंगे। मेजर के लिए अपने को डिस्टेंस मेजर करना है, प्रिज्म पकड़ा है कि नहीं। तो मैं उसको तो मेरा असिस्टेंट को मैं बोल देता हूँ सही से वो प्रिज्म करके बाबल करके रखे प्रिज्म को, और उसको टारगेट करता है। ये हो जाने के बाद मैं सिंपल इसको डिस्टेंस में क्लिक कर लेता हूँ। ये हो, देख सकते हैं आप, ये पूरा क्रॉस हेयर जो है अपना बीचों बीच है। तो जाने के बाद इसको स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर। तो आपको डिस्प्ले में ऐसा एक ऑप्शन आएगा, तो देख सकते हैं फास्ट F1 जबाने के लिए बोल रहे हैं मेजर मोर पॉइंट, तो एक से अधिक यानी 2 पॉइंट से मैं रिसेक्शन करूँगा। तो मैं F1 को मेजर मोर पॉइंट में क्लिक कर लेता हूँ, तो आप मैं F1 दबा देता हूँ, देख सकते हैं। तो इसमें फिर से दोबारा पॉइंट ID मांग रहा है, तो मैं जो पॉइंट सेव किया हूँ वो पॉइंट ID डाल देता हूँ, देख सकते हैं ये मैं डाल दिया हूँ। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जब भी करेंगे 30/1 P30/1 का पूरा फिक्स पॉइंट जो है, इसको व्यू कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरा TBM लिस्ट जो है उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो TBM लिस्ट है उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो व्यू में क्लिक किया, ये मेरा नॉर्थिंग ईस्टिंग और एलिवेशन यानी Z या RL ये पूरा दिया हुआ है। तो मैं इसको F4 में कंटिन्यू करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा मशीन को दोबारा जहाँ पर मेरा सेकंड पॉइंट है, देख सकते ऊपर लिखा है साइट टारगेट पॉइंट, तो मैं टारगेट कर लेता हूँ दोबारा दूसरे पॉइंट को। तो टारगेट करके रखा हूँ मेरा जहाँ पर असिस्टेंट है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टारगेट एकदम क्रॉस हेयर जहाँ पर है। फिर इसको डिस्टेंस में क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा जो असिस्टेंट है सही से प्रिज्म नहीं पकड़ पाया। एक और हाइट जो है, हाइट प्रिज्म हाइट में सही से नहीं दिया, इसलिए एरर आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाइट को करना है तो आपको प्रिज्म हाइट जरूर अच्छे से ध्यान देना जब आप रिसेक्शन करोगे। तो 15 mm 10 mm, तो मैं सेंटर लाइन के लिए अभी फिलहाल सिखाने के रिगार्डिंग आपको ये दिखा रहा हूँ। F4 कंप्यूट करना पड़ेगा आपको, तो F4 दबा दीजिए। देखिए चार ऑप्शन है आपका, तो मैं 2 ही पॉइंट से किया हूँ, तो मैं जो 4 नंबर ऑप्शन है कंप्यूट, जो 4 नंबर ऑप्शन है कंप्यूट करेंगे। तो इसको करने के लिए F4 में सिंपली दबा दीजिए, तो इसको कंप्यूट कर लेता हूँ F4 दबा के। तो इस तरह से मेरा जो अभी फिलहाल जो मशीन खड़ा है अभी, तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो इसमें सेट कर लेता हूँ मैं। ACT सेट दिख सकते हैं F4 में, तो इसको सेट कर देता हूँ। तो इसमें दिखा रहा है स्टेशन ओरिएंटेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जो जहाँ पर मेरा अभी असिस्टेंट है, इसको एक बार सही से हुआ है कि नहीं क्रॉस चेक करने के लिए 3rd नंबर पॉइंट है सेट आउट में क्लिक किया हूँ। सेट आउट में क्लिक करने के बाद ओके दबाया था,
दोबारा दिखा देता हूँ सेट आउट, फिर ओके, फिर इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। करने के बाद देख सकते, ये मेरा 30/1 पे है, उसको दोबारा मैं मेजर कर लेता हूँ, फिर डिस्टेंस में क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते 3 mm 7 mm का डिस्टेंस है, तो मैं मतलब मेरा मशीन पूरा डिसेक्शन हो गया है कंप्लीट। ये था आज का वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और अपना इंजीनियर फ्रेंड सर्वे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर्वे सोसाइटी को। आज इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, वीडियो के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।